कहते हैं प्यार अंधा होता है, ऐसा ही एक नज़ारा चिलवाताल अंतर्गत क्षेत्र में मिला, जहां प्यार में पागल पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या करा दी, जिसका खुलासा पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने किया। एसएसपी ने बताया कि चिलवाताल क्षेत्र के कोयलवा में विनोद शर्मा की हत्या हो गई थी। उसके भाई मनोज शर्मा ने अपनी भाई के हत्या की तहरीर चिलवाताल थाने में दर्ज कराई थी। हत्या के खुलासे के लिए एसपी नॉर्थ गणेश साहा के नेतृत्व में टीम लगाई गई थी, जिसमें सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि आशा शर्मा पत्नी स्वर्गीय विनोद शर्मा निवासी कोयलवा कुशीनगर में एक सरकारी स्कूल में टीचर है। स्कूल जाते समय उसका प्रेम संबंध पिपराइज थाना निवासी अनूप मुदनवाल पुत्र मोहन मुदनवाल से हो गया था, और जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा तो उसके पति विनोद को उसकी जानकारी हुई, तो पति पत्नी में विवाद हो गया और पत्नी ने प्यार में बाधा बने पति को हटाने की बात अपने प्रेमी से कही। आरोपी प्रेमी ने अपने सहयोगी संदीप मद्देसिया के साथ मिलकर विनोद की हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त 2 चाकू, 3 मोबाइल, मोटरसाइकिल और मृतक के खून के छींटे लगे अभियुक्त के कपड़े भी पुलिस ने बरामद किया है। हम दर्शकों को यहाँ पे बताते चलें कि इनके 2 मासूम बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घटना का खुलासा करने पर एसएसपी शलभ माथुर ने बताया, पहले भी एक दूसरे युवक को लेके घर के अंदर टकरा थी। की रात में, शुक्रवार की रात में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी और ये थाना चिलवाताल क्षेत्र का मैटर है और चाकू मार के उसकी हत्या की गई थी। घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घटना के अंदर जो मृतक हैं उसकी वाइफ और उसके 2 साथी के द्वारा घटना कारित कराई गई। जो मृतक है उसकी वाइफ जो है एक जगह सरकारी टीचर का कार्य करती थी और वहीं पर जो है उसकी मित्रता एक व्यक्ति के साथ हो गई थी। इस चीज़ को लेकर अक्सर घर में तकरार रहा करती थी और इसके बाद इन्हीं लोगों ने मिलकर इन घटना को प्लान किया। घटना के दिन मृतक की वाइफ ने जो उसके मित्र हैं और उसके एक साथी को फोन करके वहाँ पर बुलाया और अपने पति की लोकेशन दी और लोकेशन देने के बाद चाकू मार दिया और हत्या करने के बाद में दोनों लोग वहाँ से फरार हो गए। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद से ही ये ऐसा प्रतीत हुआ कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की साजिश है जो कि बहुत ही करीबी थी। घर के बाहर ही घटना चल रही थी जिसके अंदर सतत प्रयास करते हुए घटना का अनावरण करते हुए आला कतल और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।